हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव। आज हम देखेंगे अगर विंडोज 8 और विंडोज 10 में अगर आपका डिस्क यूजेज बहुत ज्यादा है तो उसको कैसे कमाना है। तो चलिए सिस्टम पर देखेंगे कैसे डिस्क यूजेज के डिक्रीज करना है। देखिए इधर कोई भी एप्लीकेशन ज्यादा नहीं चल रहा है। देखिए अभी क्रोम चल रहा है, उसको भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा है फिर भी डिस्क यूजेज जो है 100% है। ठीक है, मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया तो देखा डिस्क यूजेज 100% हो गया और सिस्टम स्लो हो गया। तो किस लिए हो रहा है? डिस्क यूजेज के लिए हो रहा है। तो उसको कैसे फिक्स करना है? ठीक है, तो इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद सब कुछ फिक्स करने के बाद मैं दिखाता हूँ जो डिस्क यूजेज है वो फिक्स होता कि नहीं। ठीक है, तो इसको काट देता हूँ। देखिए वो भी नहीं जा रहा है ठीक से। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन, आपको विंडोज को विंडोज 10 विंडोज 8 में एक डिफॉल्ट ऑप्शन होता विंडोज सर्च का। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड में एक सर्च चला था, तो उसको कैसे डिजेबल करना है? उसको तो डिजेबल करने के लिए आप अगर टेम्पोरल डिजेबल करके देखना चाहते हो तो आप CMD ओपन करना होगा, उसके बाद रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो उसमें एक कमेंट आपको रन करना होगा, नेट exe हाइपेन दिया आपको स्टॉप STOP स्टॉप विंडोज सर्च लिख के एंटर करना होगा। द विंडोज सर्विस इज स्टॉपिंग देखा रहे, मतलब अभी स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप होने के बाद मैं देखता हूँ तो आपको क्या करना होगा। विंडोज देखिए, विंडोज सर्च स्टॉप सक्सेसफुली, तो अभी इस स्टॉप हुआ, लेकिन इसको परमानेंटली स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो देखिए मैं एक बार फिर देख लेता हूँ टास्क मैनेजर के। अभी अभी सिस्टम स्लो है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हाई मतलब डिस्क यूजेज बहुत ज़्यादा है तो फिक्स नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, जो स्टेप है उसको एक बार कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना होगा, services.msc, ठीक है, उसमें जाना होगा विंडोज़ को सर्च को परमानेंटली डिजेबल करने के लिए, उसको ओपन करना होगा। तो मैंने सिंपली क्लिक किया तो अभी ओपन हो गया services.msc। उसमें क्या करना होगा, डब्लू प्रेस करना होगा। ठीक है, डब्लू प्रेस करके आपको जाना होगा तो नीचे आ जाइए। देखिए इधर एक विंडो सर्च, तो इसको डिजेबल करना होगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सर्च करता रहता, तो इसको डिजेबल करना होगा। अप्लाई, ओके। तो अभी क्या होगा, विंडो सर्च वो परमानेंटली डिजेबल होगा, लेकिन अभी तक रनिंग है, तो उसको बंद करने के लिए फिर से क्लिक करना होगा स्टॉप। तो विंडोज सर्च डिजेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा, आपका डिस्क चेकअप करना होगा, जो हार्ड डिस्क है उसको डिस्क चेकअप। उसके लिए आपका कंप्यूटर में जाना होगा, उसके बाद सी ड्राइव के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपको टूल्स, उसके बाद ए वाला ऑप्शन चेक स्कैन डिस्क, तो स्कैन करना होगा, वो स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने प्रोसेस दिखा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आपका जो डिस्क का 100% एरर है, मतलब डिस्क 100% यूजेस हो रहा है, वो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रोसेस है उसको आप देख करके देख लीजिए तो आपका वो फिक्स्ड हो जाएगा। देखिए 100% सक्सेसफुली क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको करना होगा जो आपका कंप्यूटर का वर्चुअल मेमोरी है उसको बढ़ाना है, तो कंप्यूटर राइट क्लिक करना होगा, कंप्यूटर के ऊपर प्रॉपर्टीज, तो उसके बाद आपको एडवांस सेटिंग मिल जाएगा, इधर एडवांस टैब में क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग, उसके बाद एडवांस, उसके बाद चेंज। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक मैनेज पेज फाइल साइज, इसको अनचेक करके आप सी ड्राइव को सिलेक्ट करके इसमें कस्टम साइज। ठीक है, डबल अप आपका जो रैम होगा, तो मेरा सिस्टम में अभी 2 GB रैम है, मैं इसमें 4000 अप्रोक्स लगा देता हूँ और इसमें 8000। ठीक है, उसके बाद सेट, ओके ओके। तो इसमें क्या होगा, जो अब वर्चुअल मेमोरी होगा कंप्यूटर का वो एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो एंटीवायरस है उसको एक बार टेम्पोरली डिजेबल करके देख लीजिए। ठीक है, जो फाइनल स्टेप है उसको फॉलो कीजिए, तो उसको फॉलो देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका कंप्यूटर को राइट क्लिक करके मैनेज में जाना होगा। ठीक है, उसके बाद डिवाइस मैनेज, ठीक है, उसके बाद डिस्क ड्राइवर, तो मेरे इसमें 2 हार्ड डिस्क है, मैं जो पहले इसमें देखा देता हूँ जो हार्ड डिस्क है,
इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज में जाना होगा, डिटेल्स टैब, उसके बाद डिवाइस डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, उसके बाद डिवाइस इंस्टेंट पाथ। देखिए इसमें एक पाथ है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, तो इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको जो ये जो पाथ है इसको फॉलो कीजिए। तो क्या करने के बाद, स्टार्ट में क्लिक करने के बाद आपको रेज एडिट, ठीक है, इसमें राइट क्लिक करके आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ऐसा मिलेगा। अगर आप कोई भी कोई टाइम में नहीं खुला, नहीं तो ऐसा मिलेगा। आपको क्या करना होगा, एज की लोकल मशीन को एक्सपेंड करना होगा इसमें क्लिक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आपको सिस्टम में जाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका करेंट कंट्रोल सेट इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद इनम इसमें एक्सपेंड करना होगा, उसके बाद आपको पीसीआई में क्लिक करना होगा। तो पीसीआई आने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आपका जो हार्ड डिस्क का जो इंस्टेंट पाथ है उसको इसमें मैच करना होगा। ठीक है, इसमें मैच करने के बाद आपका क्या करना होगा, इसमें एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, करने के बाद आपका इसमें एक्सपेंड करना होगा, उसके बाद डिवाइस पैरामीटर में क्लिक करना होगा, उसके बाद इंटरप्ट मैनेजमेंट में क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका मैसेज सिग्नल इसमें क्लिक करना होगा। ठीक है, करने के बाद आपका इसमें MSI सपोर्टेड इसमें क्लिक करके आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता, ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद 0 होगा, 0 करके ओके कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें आपका जो हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो सब कुछ कर लिया, अभी कंप्यूटर में देखता हूँ मेरा जो डिस्क यूजेस है, जो मेरा डिस्क यूजेस है वो फिक्स्ड हुआ कि नहीं। तो उसके लिए राइट क्लिक करके मैं टास्क मैनेजर में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। देखिए अभी डिस्क यूजेस है 1%, तो सब प्रोसेस फॉलो कीजिए, उसके बाद आप देखिए आपका जो डिस्क यूजेस है। देखिए अभी पिछली बार क्या हो रहा था, डिस्क यूजेस 100% हो गया 99% कोई भी एप्लीकेशन रन करने के पहले। ठीक है, देखिए अभी गूगल क्रोम खोलने के बाद क्या होता, देखिए गूगल क्रोम खोल लिया लेकिन डिस्क यूजेस ज़्यादा नहीं, 4% है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।